आगे दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, 48% पास्ड इन फिजिक्स एंड 30% पास्ड इन बोथ, हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। चार ऑप्शन हैं, 17% बी, 43% 13% डी, 47%। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 65% पास वाला डेटा दिया है सिर्फ। ठीक है, 65% बच्चे पास हुए मैथ्स में, 48 फिजिक्स में और 30% दोनों में हुए, मैथ्स और फिजिक्स में लाकर। आइए कैसे करेंगे इसको फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पे येलो सर्कल में जो बना रहा हूँ तो ये डिनोट कर रहे हैं आपको मैथमेटिक्स के बच्चों का जो मैथमेटिक्स में पास हुए हैं। तो मैथमेटिक्स में 65 बच्चे पास हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने देखिए ऊपर लिख दिया 65 बच्चे इस सर्कल को डिनोट कर रहे हैं जो मैथ्स में पास हुए हैं। उसी तरीके से ब्लू सर्कल जो बच्चे हैं 48% परसेंट से साइन नहीं है तो परसेंटेज में डेटा ये 48% बच्चे जो हैं पास हुए हैं फिजिक्स में, और बोथ का हमें डाटा दिया है जो बीच का ओवरलैप हो रहा है 30, मतलब ये बच्चे मैथ्स में पास हैं फिजिक्स में पास हैं। ठीक है, जब हमें ये डेटा मिल जाता है जो मैथ्स में पास हैं और फिजिक्स में भी दोनों सब्जेक्ट का, तो हमारे ये जो मैथ्स का डेटा है सिर्फ मैथ्स का डेटा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कि अगर आपसे कोई पूछे कि सिर्फ मैथ में मीन्स एक ही सब्जेक्ट में पास कितने बच्चे हैं, तो आपको यहाँ से पता चलेगा जब आप 65 माइनस 30 35 करेंगे। ठीक है, 65 डिनोट कर रहा है जो मैथ्स में पास हैं बच्चे, और ओनली मैथ्स जब कोई बोले ओनली एक सब्जेक्ट। ठीक है, 65 बच्चे में कुछ वो बच्चे भी हैं जो फिजिक्स में पास हैं। ठीक, इसलिए डेटा यहाँ पे चेंज हो जाता है, 35 हो जाता है, 65 माइनस 30 जो फिजिक्स वाले बच्चे भी आप हटा देते हैं। उसी तरीके से फिजिक्स वाले बच्चे भी ऐसे ही अलग से चेंज हो जाते हैं, 48 माइनस जो बच्चे मैथ्स में पास हुए हैं उसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे 18 बच्चे बच गए, 18% बच्चे जो सिर्फ ओनली फिजिक्स में पास हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट में फिजिक्स में यहाँ पे दोनों बच्चे हैं। ठीक, तो हमारे वेन डायग्राम बन गया पास वाले स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कि जब ये जो वेन डायग्राम बन जाता है पास वाला, ठीक है, तो यहाँ से आपको फेल वाले बच्चे निकलते हैं जो एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे इस सर्कल में वो बच्चे डिनोटेड नहीं रहते हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है, दोनों सब्जेक्ट में फेल। ठीक है, एक सब्जेक्ट में जैसे अगर 65% बच्चे फेल हैं मैथ्स में, तो आपको पता होगा कि 65 बच्चे फेल हैं मैथ्स में तो 35% बच्चे पास हों, सॉरी 65% बच्चे पास हैं तो 35% बच्चे फेल होंगे। उसी तरीके से 48% बच्चे अगर पास हैं तो 52% बच्चे सिर्फ फिजिक्स में फेल होंगे। ठीक है, और जब बोथ का डेटा निकालना होता है तो हमें यहाँ पे टोटल इस सेट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये पूरा सेट में कितने लोग हैं, कितने परसेंट हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कितने लोग हैं इसमें, 35 + 30 + 18 83% है। ठीक है, आप देख सकते हैं 83% बच्चे जो हैं इस सेट को डिनोट करें, मतलब ए यूनियन बी जो हम कहते हैं ए यूनियन बी, इस सेट का ए यूनियन बी क्या है, 83 है। ठीक, तो हमें पता है कि सिर्फ एक या उससे अधिक सब्जेक्ट में पास वाले बच्चे 83 हैं, तो यहाँ पे वो बच्चे नहीं हैं जो बच्चे दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में फेल वाले बच्चे यहाँ पे डिनोट नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, 100% बच्चे किसी भी एग्जामिनेशन में होते हैं, 83% बच्चे एक या उससे अधिक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो मीन्स 100% माइनस एक से उससे अधिक सब्जेक्ट में पास वाले बच्चे बच गए। ठीक है, 83%, तो 100% से हमने इसको माइनस किया तो माइनस करने में कितने बचे, 17% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है पास वाला वेन डायग्राम बना के, और दूसरा तरीका है फेल वाला वेन डायग्राम बना के भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं पास वाला वेन डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, ताकि आपको साइड बाय साइड दिखता भी रहे कि पास वाले वेन डायग्राम और फेल वाले वेन डायग्राम में कितना अंतर हो जाता है। ठीक है, ये पास वाला वेन डायग्राम मैंने दोबारा यहाँ पे बना दिया है, इसके राइट साइड में मैं बनाऊंगा फेल वाला वेन डायग्राम। तो फेल वाला कैसे बनाते हैं, हमें पता है कि 65% बच्चे जो हैं पास है मैथ्स में। ठीक है, तो 65% बच्चे मैंने आपको पिछले सॉल्यूशन में बताया कि 65% बच्चे अगर आपके पास हैं तो आप इससे निकाल सकते हैं कि कितने बच्चे मैथ्स में फेल हैं। तो यहाँ पे हमारे 35% बच्चे क्या है, मैथ्स में फेल, 100 से माइनस करेंगे 100% बच्चे में से, 100% माइनस 35% बच्चे मैथ्स में फेल है। उसी तरीके से ब्लू वाले बच्चे डिनोट कर रहे हैं हमारे फिजिक्स में फेल वाले बच्चे, सिर्फ फिजिक्स में, तो 52% बच्चे सिर्फ फिजिक्स में फेल हैं। तो यहाँ पे हमें मैथ्स में फेल वाले बच्चे मिल गए 35% और फिजिक्स में 52%। ठीक है,
बोथ वाला डेटा हमें यहाँ से नहीं मिल पाएगा, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे अभी इस सेट को यूज़ करके हम कैसे फेल वाला वेन डायग्राम बना रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये फेल वाला वेन डायग्राम हमारा बन गया। तो बोथ वाला डेटा जो हमारा बीच का डेटा, जो कॉमन एरिया जो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि ये बताओ ये वाला एरिया कि दोनों सब्जेक्ट में फेल वाले बच्चे कितने हैं, ये मैथ्स में वाले फेल वाले बच्चे, ये फिजिक्स में फेल वाले बच्चे, ये वाले बच्चे हमें पता करने हैं। तो आपको पता है कि टोटल पास बच्चे कितने हैं, 30% है। 30% बच्चे अगर पास हैं दोनों सब्जेक्ट में तो मीन 70% बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, कॉमन सी बात है कि अगर 30% बच्चे अगर दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं सॉरी पास हैं तो 70% बच्चे ऐसे होंगे जो एक या उससे अधिक सब्जेक्ट में फेल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ए यूनियन बी इसका निकल गया। ए यूनियन बी आपको पता है फॉर्मूला, ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हमारा वेन डायग्राम में ए यूनियन बी हमें पता चल गया कि 70% है इस वाले फेल वाले का, ठीक है, इसका आप अलग कर दीजिए ये डेटा और ये डेटा अलग है। तो यहाँ पे 70% बच्चे इस वेन डायग्राम का ए यूनियन बी है। हमें एन ए पता है 35 है जो मैथ्स में फेल हुए, एन बी पता है सेट बी का वैल्यू फिजिक्स वाले बच्चे 52। तो अब हम इससे एन इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं फॉर्मूले में इसको डाल के। तो आप फॉर्मूला आपको पता ही है, फील्ड इन बोथ वी हैव टू फाइंड एन इंटरसेक्शन बी। तो सीधा से आप यहाँ पे वैल्यू डाल दिए, ए यूनियन बी 70%, एन ए कितना 35 और एन बी है हमारा फिजिक्स वाला 52। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 17% डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरह का आपको मेथड पता होनी चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक क्लियर करने की बात है, बाकी वेन डायग्राम से कुछ नहीं रहता, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको समझ में आए लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।